और सच की पड़ताल में अब खबर अमेरिका की। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लड़खड़ाहट बढ़ती जा रही है, इसका एक ताजा सबूत उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिला जब उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया। इसके पहले वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन बोल चुके हैं। ये सिर्फ जुबानी लड़खड़ाहट होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसका असर उनके चुनाव प्रचार पर देखा जा रहा है। उनकी उम्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब तक 16 डेमोक्रेट सांसद उनकी उम्मीदवारी के विरोध में खुलकर सामने आ चुके हैं। कई बेहद अहम दानदाता कह चुके हैं कि वो बाइडेन की उम्मीदवारी तक डेमोक्रेटिक पार्टी को चंदा नहीं देंगे। ट्रंप के साथ पहली बहस में उनके प्रदर्शन के बाद उनकी रेटिंग काफ़ी गिरी है और अब उन पर अपनी उम्मीदवारी छोड़ने का दबाव है। सवाल है क्या बाइडेन पीछे हटेंगे। बेशक उनके साथ भी लोग हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर वो पीछे ना हटे तो क्या ट्रंप को मात दे पाएंगे। और इसी मुद्दे पर हमारे मेहमान बने हुए हैं मंजू जी। अब जो सवाल है क्या बाइडेन पीछे हटेंगे, क्या वो दिन दूर नहीं? वक्त के हालात देखते हुए, उनके स्टेटमेंट्स देखते हुए उम्मीद तो कम है, और लेकिन जैसे हम देख रहे हैं हर एक इवेंट पे स्लोली ग्रेजुअली उनके गैप्स जो हैं, जो स्टेप्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आगे चल के उनके दबाव पड़ेगा तो शायद उन्हें हटना पड़े, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि ज़्यादातर वो ठीक हैं, बीच बीच में कुछ हो रहा है, उनका सॉर्ट ऑफ मिसस्टेप हो रहा है, तो जैसे उनने स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनके काफ़ी समर्थक हैं, तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा है वो हटेंगे, लेकिन अगर सिचुएशन खराब और होती है, बदतर होती है, तो शायद उन्हें हटना पड़े। धीरे धीरे परतें खुल रही है आसिफ जी, लेकिन जैसा कि मंजू जी कह रही हैं वो खुद नहीं चाहते, लेकिन उनके पार्टी के लोग तो चाहते हैं वो हट जाएं। बात तो यही है कि पार्टी के लोग, अभी आपने 16 लोगों की मिसाल भी दी, पार्टी के लोग तो चाहते ही हट जाएं, लेकिन जैसा मंजू जी भी कह रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि अभी ऐसा कुछ भी होने वाला है आने वाले दिनों में कि वो हटना चाहेंगे या हटेंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन कितना भी प्रेशर आए वो प्रेशर बर्दाश्त करेंगे, बट जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है, जिस तरह की वो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उनके बोलने में या कई जगहों पे वो गलतियां कर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है इन चीज़ों को कि वो प्रेशर तो ले रहे हैं, और क्या उनकी उम्र और उनकी सेहत उनका साथ दे पाएंगे इन चैलेंजेस को लेने में या नहीं। क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं, खासतौर से जब यूएस की बात कर रही हैं, वहाँ के इलेक्शन और जिस तरह के चैलेंजेस उनको दिए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, और विद इन द पार्टी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा तो लगता है कि वो लड़खड़ा रहे हैं दिखने में, लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं संभल जाएंगे और पार्टी के लोग भी साथ आएंगे। हालांकि शुरुआती दौर से जब से ये बने हैं, कहीं ना कहीं उनका ग्राफ जो है नीचे तरफ ही जाता हुआ दिखा है ज्यादा। कभी कभी होता है कि फ्लक्चुएशंस होती हैं ऊपर भी नीचे, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया, चाहे आप अफगानिस्तान के उस वक्त के मुद्दे पे जाएं, विड्रॉल्स की बात करें, या अभी के प्रेजेंट हालात, या अभी आप देखें कि किस तरह हमारे हिंदुस्तान होगा कि आने वाले दिनों में डेमोक्रेटिक पार्टी कितना उन पर दबाव बना पाएगी और वो संभल जाएंगे, जैसा कि मंजू जी और आसिफ जी दोनों कह रहे हैं। तो आसिफ रमीज जरदाउदी और मंजू जी मंजू सेठ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज इतना ही सच की पड़ताल में, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।